learners, welcome back for the new video. In this video, we will see the classification of CV statement. So, before the disposal of sewage into the river stream or land, it has to be treated so as to make it safe. And the degree of the treatment required depends upon the characteristics of the sewage. जो टाइप के ट्रीटमेंट देने हैं हमें या कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट्स प्रोवाइड करने चाहिए वो डिपेंड करता है कि सीवेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके उसमें कौन से टाइप के कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट है, कौन से टाइप के इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है, सस्पेंडेड सॉल्ट्स कितने प्रेजेंट है, सीओडी पीओडी वैल्यू कितनी है, ये सब कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के बाद ही कौन से टाइप के ट्रीटमेंट यूनिट्स प्रोवाइड करने चाहिए वो डिपेंड करता है. सो सीवेज कैन बी ट्रीटेड इन डिफरेंट वेज. द ट्रीटमेंट प्रोसेस आर क्लासिफाइड एज. So the classification of sewage treatment is preliminary treatment, primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment. Preliminary treatment system unit includes units such as screen, grid chamber, skimming tank and comminators. Primary treatment units are sedimentation, chemical coagulation. Then in secondary treatment units are ASP, that is activated sludge process, then trickling filter, then aerated lagoon. And the tertiary treatment, the units are filtration, activated carbon adsorption and disinfection. So let's see all the treatment units, all the treatment process one by one. First, the preliminary treatment. The purpose of the preliminary treatment is to remove floating matters and heavy settleable inorganic solids. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में फ्लोटिंग मैटर्स और हेवी सेटलेबल सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या करते हैं, रिमूव किया जाता है. अब फ्लोटिंग मैटर में से जैसे कि डेड बॉडीज ऑफ एनिमल्स, पीसेस ऑफ वुड्स, पेपर्स, रैक्स, मेटल कंटेनर्स, प्लास्टिक और रबर कंटेनर्स, ये सब चीज़ें क्या होती है, फ्लोटिंग मैटर में आती है और ये सब फ्लोटिंग मैटर क्या आता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में रिमूव हो जाता है. अब और हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स में क्या आता है, सैंड आएगा, ग्रिट्स आएंगे, ब्रिक्स के जो टुकड़े रहेंगे, पीसेस जो रहेंगे वो क्या था, वो भी क्या होता है, प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में रिमूव किए जाते हैं. देन इट आल्सो इंक्लूड्स द फ्लो मेजरिंग डिवाइस. प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में फ्लो मेजरिंग डिवाइस भी एक यूनिट होता है कि किस रेट से सीवेज आ रहा है, यानी फ्लो रेट भी क्या होता है, इधर मेजर किया जाता है. देन इफ द फ्लोटिंग मैटर्स एंड हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स आर नॉट रिमूव्ड, देन इट विल अफेक्ट द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मैकेनिकल डिवाइस. अगर फ्लोटिंग मैटर और हेवी सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड जैसे सैंड हो गया, ग्रीट हो गया, ये अगर रिमूव नहीं किया जा रहा है तो अगला जो आगे के जो ट्रीटमेंट यूनिट्स है, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट यूनिट्स है, उसमें के जो मैकेनिकल डिवाइसेस है, पंप एग्जाम्पल ले लो या जो ब्लेड्स है वो एग्जाम्पल ले लो या फिर एरेटर्स ले लो, वो क्या हो जाएंगे कि उनके खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे. इसीलिए ये सब चीज़ें पहले ही हमें क्या करनी चाहिए, रिमूव करनी चाहिए, जैसे कि सेटलेबल इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी और फ्लोटिंग मैटर ही हमें पहले ही रिमूव करना चाहिए. देन इट रिड्यूसेस बीओडी लोड ऑफ द वेस्ट वाटर बाय अबाउट 5-10%. टोटल वेस्ट वाटर में से 5-10% बीओडी लोड जो है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है, वो कितना रिमूव होता है, सिर्फ 5-10% ही रिमूव होता है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट. बाकी का मेजरली क्या होता है, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव होते हैं मेजरली. यूनिट्स इन्वॉल्व. अब प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में यूनिट्स कौन कौन से हैं, फर्स्ट है स्क्रीन जो यूनिट्स है उसमें जो पार्टिकल्स रिमूव होते हैं, जो पोलूटेंट्स रिमूव होते हैं, वो होते हैं फ्लोटिंग मैटर, जो मैक्सिमम फ्लोटिंग मैटर्स का होता है स्क्रीन में रिमूव हो जाता है. देन ग्रिड चेंबर और डेट्रिटस टैंक, इसमें सैंड और ग्रिड क्या होती है, रिमूव हो जाती है. देन स्कीमिंग टैंक में ऑयल और ग्रीस रिमूव किया जाता है. देन कम्युनेटर्स में, कम्युनेटर्स का क्या काम रहता है कि जो लार्ज सॉलिड्स रहते हैं वो लार्जर सॉलिड्स को क्या करते हैं, ग्राइंडिंग एंड चॉपिंग करके उसको स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स में क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है. देन नेक्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. द पर्पज ऑफ द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव द लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड. अब क्या है, अब पहले इसमें फ्लोटिंग मैटर्स रिमूव किए, इनऑर्गेनिक सॉलिड्स रिमूव किए, अब इसमें क्या प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि जो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है वो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स क्या किए जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं. इफ प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट इज नॉट गिवन देन इट रिमूव्स ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड. अगर
प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट नहीं देगी जी, नहीं दी होंगी, तो क्या होता है कि जो वेस्ट वाटर है वो डायरेक्टली कहेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट में गया। वेस्ट वाटर में इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी रहने वाले हैं, तो वो इनऑर्गेनिक सॉलिड्स भी कहाँ रिमूव होने वाले हैं? प्राइमरी ट्रीटमेंट यूनिट्स में ही रिमूव आएंगे, लेकिन कब? जब प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए भी नहीं होंगी तभी। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट सॉरी प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की नहीं होंगी तभी, अगर प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की भी है तो क्या होगा कि इनऑर्गेनिक मैटर्स तो पहले ही रिमूव हो जाएंगे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में। इसलिए प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या करेगा, मैक्सिमम सिर्फ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड्स ही रिमूव करेगा। यूनिट्स इन्वॉल्व, अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में कौन कौन से यूनिट्स इन्वॉल्व होते हैं वो देखते हैं। फर्स्ट है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है यानी कि उनका क्या है, वेट है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उनके वेट से क्या होंगे, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी क्या होंगे, वो जो पार्टिकल है सर, लार्ज सस्पेंडेड सॉलिड्स है, वो सब क्या हो जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, और प्राइमरी ट्रीटमेंट यानी सेडिमेंटेशन में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद में केमिकल कोएगुलेशन, अगर उनका जो सेटलिंग का रेट है, जो रिमूवल का रेट है, अगर रिमूवल का रेट बढ़ाना होगा हमें तो क्या करना पड़ेगा, हमें केमिकल्स ऐड करने पड़े, और केमिकल वो केमिकल्स ऐड करने के बाद वो जो केमिकल्स ऐड किए जाते हैं वो केमिकल्स को अपन बोलते हैं कोएगुलेट, कोएगुलेंट, और वो प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल कोएगुलेशन। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज द सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो होती है सबसे मेन ट्रीटमेंट होती है, कौन सा भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हो, तो सीवेज सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो रहती है सबसे मेन ट्रीटमेंट पार्ट रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हार्ट ऑफ द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। देन द पर्पज ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव सोल्यूबल एंड कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर विच रिमेन्स आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के बाद जो सोल्यूबल और कोलाइडल ऑर्गेनिक मैटर बचा है वो रिमूव किसमें किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में। सेकेंडरी ट्रीटमेंट मेजरली रिमूव्स बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर बाय बायोलॉजिकल एक्शन। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में मेजरली क्या रिमूव होता है, ऑर्गेनिक मैटर, और ऑर्गेनिक मैटर भी कौन सा, जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो ही रिमूव होता है। और वो जब रिमूव होता है वो किसके थ्रू रिमूव होता है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स के थ्रू, बैक्टीरिया के थ्रू, बाय बायोलॉजिकल एक्शन। माइक्रो ऑर्गेनिम्स बैक्टीरिया क्या करेंगे कि जो वेस्ट वाटर में का बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम आर डिजाइन टू मेंटेन अ लार्ज एक्टिव मास ऑफ बैक्टीरिया विद इन द सिस्टम। अब ऑर्गेनिक मैटर, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर हमें क्या करना है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ट्रीट करना है, तो वो ट्रीट किसके हिसाब से, कौन से प्रोसेस से होने वाला है, कौन से एक्शन से होने वाला है, बायोलॉजिकल एक्शन से होने वाला है। अब बायोलॉजिकल एक्शन होने के लिए वो ट्रीटमेंट यूनिट में, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट सिस्टम में मैक्सिमम नंबर ऑफ बैक्टीरिया, मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोबियम्स क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, तभी क्या होगा, बायोलॉजिकल जो ट्रीटमेंट है, बायोलॉजिकल जो एक्शन है वो इफेक्टिवली वर्क होंगी। देन सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोसेस क्लासिफाइड एज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट जो है वो फर्दर क्लासिफाई की गई है। फर्स्ट है अटैच ग्रोथ प्रोसेस। अटैच ग्रोथ प्रोसेस जैसे कि नाम में ही दिया है, अटैच ग्रोथ प्रोसेस, इसमें क्या रहता है कि जो बायोलॉजिकल मास रहता है, बैक्टीरिया माइक्रोबियम जो रहते हैं वो एक हद पर्टिकुलर मीडिया पे क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। जैसे कि अपन फॉर एग्जाम्पल लीजिए सैंड फिल्टर है, सैंड फिल्टर है ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में देखेंगे, अगर वो सैंड फिल्टर पे अगर एक खाली बायोलॉजिकल मास है ना, माइक्रोबियम से बैक्टीरिया की जो लेयर फॉर्म हो गई, और फिर वो बैक्टीरिया की लेयर क्या करेंगे, वेस्ट वाटर को ट्रीट करेंगे, तो उस टाइप को ट्रीटमेंट प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अटैच ग्रोथ प्रोसेस। और उस टाइप के जो ट्रीटमेंट यूनिट है उसको बोलते हैं ट्रिकलिंग फिल्टर, यानी अटैच ग्रोथ प्रोसेस का एग्जाम्पल जो है वो ट्रिकलिंग फिल्टर है। देन सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस। सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस में नाम ही दिया है कि जो बायोलॉजिकल मास है, बायोलॉजिकल मास है, बायोलॉजिकल मास क्या रहने वाला है, सस्पेंशन में रहने वाला, और इसका सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस का एग्जांपल है एएसपी यानी एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस। देन कंबाइन प्रोसेस। कंबाइन प्रोसेस में क्या होगा, अटैच ग्रोथ प्रोसेस भी आएंगी और सस्पेंडेड ग्रोथ प्रोसेस भी, यानी साइमल्टेनियसली क्या होने वाला है, दोनों टाइप के प्रोसेस रहने वाले, अटैच भी रहने वाला है और सस्पेंशन में भी रहने वाला है, इसका एग्जाम्पल है एमबीबीआर। देन टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द एडवांस ट्रीटमेंट। अब मेन पर्पज क्या है, अब टर्शरी ट्रीटमेंट का बता दो, उससे पहले बता दो कि प्रिलिमिनरी, प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो रिमूवल हो जाता है। अगर इसके बाद हमें
ट्रीटमेंट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन वो सीवेज हम फिर से यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें और बहुत सारे इम्प्योरिटीज रहते हैं जो वाटर को यूज़ करने से अपोज करेंगे। इसलिए यूज़ नहीं करना। अगर अपने को सिर्फ रिवर में डिस्पोज करना है, लैंड पे डिस्पोज करना है, तो क्या कर सकते हैं, टर्शरी ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करके हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि प्रिलिमिनरी प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद वाटर को डिस्पोज कर सकते हैं। लेकिन अगर अपने को वाटर रीयूज करना है, या फिर सीवेज की जो ट्रीटेड सीवेज है उसकी क्वालिटी और इन्हांस करनी है, तो उस समय क्या करना पड़ेगा, हमें टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो टर्शरी ट्रीटमेंट का पर्पस क्या है, तो पर्पस ऑफ टर्शरी ट्रीटमेंट इज टू रिमूव पोल्यूटेंट्स विच आर नॉट रिमूव्ड इन प्रिलिमिनरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी। जो प्राइमरी प्रिलिमिनरी एंड सेकेंडरी में रिमूव नहीं हुए वो टर्शरी ट्रीटमेंट में रिमूव होंगे। टर्शरी ट्रीटमेंट रिमूव सोल्यूबल इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन। टर्शरी ट्रीटमेंट क्या होता है कि सोल्यूबल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन क्या हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और वैसे भी नाइट्रोजन रिमूव होने के लिए 5 से 7 दिन के बाद ही नाइट्रोजन जो है वेस्ट वाटर में से रिमूव होता है बायोलॉजिकल एक्शन से, इसलिए और इतना डिटेंशन टाइम तो रहता नहीं है, तो इसीलिए टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है फॉस्फोरस और नाइट्रोजन के रिमूवल के लिए। देन टर्शरी ट्रीटमेंट एम्स टू रियूज द वेस्ट वाटर। बट ये पहले ही बताया मैंने आपको कि इसका मेन एम क्या रहता है कि वेस्ट वाटर को हमें क्या कर सकते हैं, हम ट्रीट करके रीयूज कर सकते हैं, तभी क्या किया जाता है कि टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड की जाती है। नहीं तो सिंपली टर्शरी ट्रीटमेंट लिखा जी अगर प्रोवाइड भी करनी है तो सिंपली डिसइंफेक्शन प्रोवाइड करते हैं एंड फिर बाद में डिस्पोज कर देते हैं वाटर। इन विंडहॉक सिटी इन साउथ अफ्रीका ट्रीटेड सीवेज इज डायरेक्टली सप्लाइड टू द इनलेट ऑफ द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। साउथ अफ्रीका में क्या किया जाता है, एक विंडहॉक सिटी में जो ट्रीटेड सीवेज है, यानी टर्शरी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के बाद वो ट्रीटेड सीवेज के को डायरेक्टली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट में प्रोवाइड किया जाता है। और वहाँ पे क्या जाता है, फिर से उसको उस पर प्रोसेस किया जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है और उसको ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स में ला कर, यानी ड्रिंकिंग पर्पज में उस वाटर को क्या किया जाता है, सप्लाई किया जाता है। यानी कि क्यों, इसका मेन रीज़न यही है कि साउथ अफ्रीका में वाटर की स्कर्सिटी का जो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, इसलिए वो क्या करते हैं कि कई कई जगह वो क्या करते हैं कि ट्रीटेड सीवेज को डायरेक्टली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के इनलेट पर प्रोवाइड करते हैं, यानी कि और एक बार उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं और फिर उस वो वाटर को क्या करते हैं, ड्रिंकिंग पर्पज में यूटिलाइज करते हैं। देन टर्शरी ट्रीटमेंट यूनिट्स इन्वॉल्व, कौन कौन से ट्रीटमेंट यूनिट्स आते हैं इसमें देखते हैं। फर्स्ट है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करना, अगर फाइन सस्पेंडेड सॉलिड्स है अगर वो रिमूव करना है तो हमें फिल्ट्रेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। देन एक्टिवेटेड कार्बन एडसॉर्प्शन। एक्टिवेटेड कार्बन एडसॉर्प्शन में क्या किया जाता है, सोल्यूबल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स रिमूव होंगे, या फिर ओडर और कलर भी रिमूव हो सकता है। देन डीमिनरलाइजेशन, जो डिजोल्व फॉर्म में जो मिनरल्स प्रेजेंट है जो, और जो डिजोल्व फॉर्म में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है वो डीमिनरलाइजेशन प्रोसेस में क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। देन डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में क्या, जो वेस्ट वाटर में के जो बैक्टीरिया है, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स है, वायरस है, हार्मफुल बैक्टीरियाज है, वो क्या हो जाते हैं, वो सब के सब क्या हो जाएंगे, डिसइंफेक्शन प्रोसेस में रिमूव हो जाएंगे। देन नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिमूवल, और नाइट्रोजन फॉस्फोरस रिमूवल का भी एक अदर ट्रीटमेंट यूनिट्स रहेगा, वो रहेगा कि टर्शरी ट्रीटमेंट में रहेगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।